glips.in में आपका स्वागत है। आप एक बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, जिसमें पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। पुलिस ने 7 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा ये जो नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 3 महिला नक्सली बताए जा रहे हैं, और जो नक्सली मारे गए हैं वो हार्डकोर नक्सली हैं। इनके खिलाफ लाखों रुपए के इनाम पुलिस ने घोषित कर रखी है। आपको बता दें कि पुलिस की एसटीएफ और डीआरजी की टीम सुबह सर्चिंग पे निकली थी बीजापुर बॉर्डर के तिमेनार जंगल में। नक्सलियों ने अचानक फायरिंग कर दी, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इस जवाबी कार्रवाई में 7 नक्सली ढेर हुए हैं। इनके कब्जे से पुलिस ने इंसास राइफल सहित कई घातक हथियार जब्त किए हैं और गोला बारूद जब्त की है पुलिस ने, और ये मुठभेड़ अभी भी निरंतर जारी है। आपको ये बताना यहाँ पे बताना चाहेंगे कि नक्सली जो 15 जुलाई को वारदात को अंजाम दिए थे, उसी प्रकार की घटना करने की फिराक में नक्सली बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों का काफ़ी हद तक सफाया हो चुका था, लेकिन एक बार फिर नक्सली वहाँ सर उठाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन नक्सलियों के जो सुबह थे दंतेवाड़ा को और पूरा बीजापुर को, फिर दंतेवाड़ा बेल्ट को अपने कब्जे में लेने का उनके मंसूबों पे सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। और ये मुठभेड़ अभी भी जारी है, और ये देखते हैं ये मुठभेड़ कब तक चलती है। पुलिस को यह विश्वास है कि और नक्सलियों के शव और नक्सली मारे गए होंगे, लेकिन उनके शव बरामद अब तक नहीं हुए हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए glips.in। मैं गिरीश केसरवानी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.glips.in।